हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है मेथी मटर पनीर की सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी मटर और मेथी की सीजन चल रही है, तो ये सब्जी आप जरूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ सके। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मटर उबालने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब मटर ले लिए हैं। उसे हम 2 से 3 मिनट के लिए उबलने के छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें मटर को 80% तक पका लेना है, पूरा नहीं पका लेना है, वरना वो सब्जी में और पकेंगे तो मैश हो जाएंगे। तो इसे हम 80% तक पका लेंगे और बाद में इसे एक छन्नी में छानकर निकाल लेंगे। अब हमारे मटर 80% तक पक चुके हैं, तब इसे हम एक स्ट्रेनर से छान लेंगे और साइड में रख देंगे। अब एक पैन पापी से गैस के ऊपर रख देंगे, उसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। अब उसमें हम 1 बाउल मेथी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने मेथी को अच्छे से छाप करके कट कर लिया है, उसे हमें सौते कर लेना है तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तब तक इसे हम भून लेंगे। अब इस तरह से हम मेथी को सॉफ्ट होने तक भून लेना है और बाद में इसे हम 1 बाउल में निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। अब हमारी मेथी पक चुकी है, साइड में रख देंगे। अब उसी बाउल में हम वापस से तेल रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने वापस से 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। अब उसमें हम 3 बड़े प्याज को बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, 1 हरी मिर्च है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को ले लिया है, और साथ ही साथ इसमें हम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च को अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक भून लेना है और ज़्यादा नहीं पकाना है। हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए तब तक इसे हमें भून लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्के गुलाबी हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 बड़े कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर टमाटर को भी मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। बाद में इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे मिक्सर जार में पीस कर। अब टमाटर और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उसमें हम 50 ग्राम काजू के टुकड़े ऐड कर देंगे। इससे हमारी सब्जी में बहुत बढ़िया ग्रेवी बनेगी, एकदम क्रीमी टेस्टी ग्रेवी बनेगी। तो काजू आप ज़रूर ऐड करें। अब इसे हम 1 मिनट तक चला लेंगे और बाद में इसे ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में पीस लेना है। तो इसे हम ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। तो अब हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। बाद में हम 1 बड़ी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल रख दिया है। अब इसमें मैं 100 ग्राम पनीर के टुकड़े ऐड कर दूंगी। यहाँ पर आप पनीर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे हम भून लेंगे, और गैस की आँच में धीमी रख रहे हैं। इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद हम पनीर को निकालेंगे। आप चाहे तो कच्चा पनीर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारे सब्जी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इस तरह से मैंने गोल्डन कलर आने तक पनीर को फ्राई कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। अब उसके बाद हम प्याज टमाटर के जो हमने भून लिया था उसकी ग्रेवी ऐड कर देंगे। उसको मैंने ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में पीस लिया था। अगर आपको ज़रूरत लगे तो 2-3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। अब उसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन डालकर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, और 3 से 4 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि हल्का सा ऑयल अलग होने शुरू हो चुका है हमारी ग्रेवी में से। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हल्दी पाउडर हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर भी हम 1/2 चम्मच जितना ही ऐड करेंगे। अगर आपको रेड कलर की सब्जी चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे, और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सब कुछ हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर हम जो हमने मटर को उबाल कर रखा था वो ऐड कर देंगे, और हमने सौते की हुई मेथी की भाजी रखी थी वो भी हम ऐड कर देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें वापस से ढककर पका लेना है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो ग्रेवी पीसी थी उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए 2 से 3 चम्मच इतना पानी ऐड कर देंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम वापस से 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारी सब्जी थोड़ी सी पक जाए उसके बाद इसमें हम पनीर के क्यूब ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और बाद में हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी में से ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है और हमारी सब्जी का कलर भी बहुत बढ़िया आ चुका है। अब इसमें हम आखिर में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार जितना नमक चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। अब सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो इसमें क्रीम या मलाई भी ऐड कर सकते हैं, तो आपकी मलाई मेथी की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमारी सब्जी को मैंने हरे धनिये से गार्निश कर लिया है। यहाँ पर मैंने काजू ऐड की है, तो इस सब्जी में हमें मलाई या कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे मैंने इस तरह से सर्विंग प्लेट में लेकर हरे धनिये से गार्निश कर लिया है। अगर आपको मेरी मेथी मटर पनीर की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही नई नई रेसिपी के लिए देखते रहिए पूजा की देसी गुजराती रेसिपी। धन्यवाद।